तो जी स्वागत आप सबका आज की क्लास में। टुडे वी विल बी डूइंग अ न्यू चैप्टर, राइट। आइडियली हमें चैप्टर नंबर 2 शुरू करना चाहिए, बट आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3। इसका बड़ा सीधा सा कारण ये है कि नए बैच में मुझे सलाह दी जाती है हमारी टीम की तरफ से कि बड़े चैप्टर पहले दिन शुरू ना कर दिए जाएं। उससे नुकसान ये होता है कि जब भी कोई नया बालक या बालिका ज्वाइन करती है तो उसको फिर दिक्कत होती है उसको ख़त्म करने में। मान लो वो चला 15-20 दिन चलता ही रहेगा तो तब तक हमारे बैच में जो इनफ्लो है वो अटक जाता है। तो वील बी डूइंग 3, देन वील बी डूइंग 4, एंड देन वील बी कमिंग बैक टू 2, राइट। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हैपनिंग चैप्टर्स हैं। मतलब अगर आपको पास होना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, तो ये 3 चैप्टर आपके अपने होने चाहिए। सो वी आर डूइंग स्टडी नोट नंबर 3, राइट। लिखिए स्टडी नोट नंबर 3, इंटरमीडिएट आईडीटी का स्टडी नोट नंबर 3। ये जो आपका तीसरा चैप्टर है इसके अंदर 3 अलग अलग हिस्से हैं। स्टडी नोट नंबर 3 में देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स। पार्ट ए, इसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और तीसरा पार्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। वी हैव टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑल द 3 चैप्टर्स आर प्रैक्टिकल, ऑल द 3 टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल। लेकिन जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी प्रैक्टिकल कॉस्ट एफएम की तरह नहीं होते या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह नहीं होते। यू मेक अ स्टेटमेंट, यू अप्लाई अ फॉर्मूला, यू गेट द आंसर, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू थिंक अबाउट थ्योरी एंड देन ओनली द प्रैक्टिकल कैन कम। तो अपन टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे, उसके बाद स्टडी नोट नंबर 4 इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड देन वील कम बैक टू स्टडी नोट नंबर 2 जिसका नाम है सप्लाई, ठीक है जी। अब आप हेडिंग डाल दीजिए टाइम ऑफ सप्लाई, हेडिंग डालिए टाइम ऑफ सप्लाई, हेडिंग डालिएगा टाइम ऑफ सप्लाई, TOS, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसे अच्छे से समझते हैं, राइट। सबसे पहले लेफ्ट में हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन, पॉइंट 1। इफ अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, इफ अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, इफ अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड एंड्स, एंडी वाला एंड और ईएनडी वाला एंड्स, एंड एंड एंड्स इन द सेम मंथ कॉमा दिस ट्रांजेक्शन विल ऑब्वियसली बिलोंग टू दैट मंथ, है ना भाई। बड़ा आसान बातें हैं, आसान बातों का मतलब ये नहीं होता इनकी वैल्यू कम है। एग्जाम पेपर में देखिए 8-8 नंबर से इस छोटे से टॉपिक से सवाल आ चुका है। आपने लिखा इफ अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, मान लो अक्टूबर 2021 में, 22 कर लो, 22 चल रही है, अक्टूबर 2022 में मान लो ट्रांजेक्शन शुरू हुई और अक्टूबर 2022 में ही ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, तो वो ट्रांजेक्शन किस महीने की मानी जाएगी, अक्टूबर 2022 की, उसमें क्या सवाल है, ठीक है जी, पक्का 100%। तो ट्रांजेक्शन एक दिन नहीं होती, ऐसा कैसे हो गया कि शुरू एक दिन हो रही है और खत्म एक दिन हो रही है। भाई हमने मैगी का पैकेट खरीदा तो हमने मैगी का पैकेट खरीदने में जितनी देर लगाई वो तो ट्रांजेक्शन का समय था, तो एक दिन में नहीं खत्म होती क्या ट्रांजेक्शन, कई दिन लगते हैं क्या ट्रांजेक्शन खत्म होने में। अरे कुछ जरूरी थोड़ी है कि एक दिन में खत्म होगी। भाई आपने एक दिन ऑर्डर प्लेस करा
एक दिन आपने पेमेंट करी, एक दिन आपके पास डिलीवरी आई, एक दिन आपके पास इनवॉइस आया, एक दिन बैंक में पैसे जो चेक दिया था आपने वो क्रेडिट हुआ, तो ट्रांजेक्शन कई दिनों तक चल सकती है, उसमें कौन सी दिक्कत है? ठीक, अननेसेसरी का कोई एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 20 जुलाई को ट्रांजेक्शन शुरू हुई और 30 जुलाई को खत्म हुई, अरे तो थ्योरी में भी समझ आ रहा ना, जिस महीने शुरू हुई, पंकज भाई सुन नहीं रहे, उसी महीने खत्म हुई, तो वो ट्रांजेक्शन किस महीने की मानी जाएगी? उसी महीने की, बात खत्म, पक्का। पॉइंट टू, हाउएवर इफ अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन वन मंथ, इफ अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन वन मंथ बट स्ट्रेचेस टू मोर देन वन मंथ, stretches to more than one month and ends in some other month, comma, comma. Now the question arises, transaction should relate to which month? ये है हमारा सवाल। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आपको रेलेवेंस समझ ना आ रही हो कि ये सब हम क्यों पूछ रहे हैं। हो सकता है आपको ये मन कर रहा हो पता लगाने का कि अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अक्टूबर की ट्रांजैक्शन हो या नवंबर की ट्रांजैक्शन है, ये हमें पता करके क्या करना है कि कौन से महीने की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जीएसटी लगना चाहिए, सरकार की कमाई हो, अपनी भी कमाई हो, बात खत्म। क्यों? अगर अक्टूबर की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी तो उसका जीएसटी टैक्स नवंबर में सरकार को जमा करना पड़ेगा, नहीं जमा करोगे तो पेनल्टी लगेगी, और अगर ट्रांजैक्शन नवंबर की मानोगे तो दिसंबर में टैक्स जमा करना पड़ेगा, नहीं जमा करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम फलानी ट्रांजैक्शन कौन से महीने से रिलेट करती है, इसलिए हम ये टॉपिक समझ रहे हैं आज। यदि कोई ट्रांजैक्शन आज इस महीने शुरू हुई और इसी महीने खत्म हो गई, सुन नहीं रहे आप, अगर कोई ट्रांजैक्शन इसी महीने शुरू हुई और इसी महीने खत्म हो गई तो किस महीने की है? इसी महीने की। अगले महीने टैक्स जमा कर देंगे सरकार को, ठीक। अभी हमें पता नहीं है कि 20 तारीख होती है टैक्स जमा करने की डेट, अभी हमें क्या पता, जब पढ़ेंगे रिटर्न का चैप्टर तब पता चलेगा, लेकिन ऐसी धुंधली यादें कि अगले महीने की 20 तारीख तक हमें टैक्स जमा करना होता है, रिटर्न जमा करना होता है, कर देंगे। लेकिन सपोज करिए कि आपने माल का ऑर्डर प्लेस करा जनवरी में, ठीक, माल का ऑर्डर प्लेस करा जनवरी में, माल का आधा डिस्पैच आया फरवरी में, बाकी आधा लौट आया मार्च में, उसका बिल आया अप्रैल में, और हमने पेमेंट करी मई में, अब बताओ कौन से महीने की ट्रांजैक्शन मानूं? तो यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, डिटरमाइनिंग द रेलेवेंट मंथ मींस टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि यदि ये हमें कैलकुलेट करना नहीं आया तो फिर हमें इसके हिसाब से टैक्स की डेट निकालना भी नहीं आएगा। यह कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट होगी। अगर ट्रांजैक्शन, जैसा कि आपने कहा कि मई की मान लेते हैं, क्योंकि हमने तो पेमेंट मई में करी, फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने एग्जाम्पल में, तो फिर 20 जून लास्ट डेट होगी, अप्रैल मानोगे तो 20 मई होगी, मार्च मानोगे तो 20 अप्रैल होगी, फरवरी मानोगे तो 20 मार्च होगी, और जनवरी मानोगे तो 20 फरवरी होगी। तो हमें इसका मतलब यह समझना होगा कि ऑर्डर वाली डेट को मानते हैं या बिल वाली डेट को मानते हैं या पेमेंट वाली डेट को मानते हैं या गुड्स वाली डेट को मानते हैं। समझ गए आप? पक्का क्लियर? आइए,
पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, हां जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट रेलेवेंट मंथ, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट रेलेवेंट मंथ, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट रेलेवेंट मंथ टू विच ट्रांजेक्शन रिलेट्स, टू विच ट्रांजेक्शन रिलेट्स, बिकॉज ओनली देन, बिकॉज ओनली देन लास्ट डेट टू पे टैक्स, ओनली देन लास्ट डेट टू पे टैक्स एंड टू फाइल रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड. Only then last date to pay tax and to file return can be calculated. समझ आ गई जी बात? अभी हमें यह सीखने की जरूरत नहीं है कि रिटर्न कैसे भरा जाता है और किस तारीख को भरा जाता है, वो अलग चैप्टर आएगा, चैप्टर 9. फिलहाल अपने को बस ये देखना है कि हम ट्रांजेक्शन कौन से महीने की है, यह निकालना इसलिए आवश्यक है कि इससे जुड़कर ही टैक्स के पेमेंट की अंतिम तिथि और रिटर्न भरने की अंतिम तिथि कैलकुलेट होगी. पक्का? राइट. अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, टाइम ऑफ सप्लाई मींस, टाइम ऑफ सप्लाई मींस द रेलेवेंट डेट, टाइम ऑफ सप्लाई मींस द रेलेवेंट डेट, relevant date on which supply is deemed to take place. Time of supply किसे कहते हैं? वो दिन, वो तारीख जिस पर हम मानते हैं, on which supply is deemed to take place. Right? Point number 5. Relevant date will help us in computing. Relevant date will help us in computing. Relevant date of filing GST return and making GST payment. सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बात आपने दो बार लिखी है, तो यह सच है. हमने रिपीट टेलीकास्ट करके नए अंदाज में पुरानी बात लिखी. पहले बताइए, समझ आ गई थी बात हमें? क्लियर? पक्का ना सर, समझ आ गया? चल चलिए, अब हेडिंग डालिए, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट की किताब की हेडिंग्स और मेरी हेडिंग्स मैच करेंगे तो शायद मैच ना हो. हो सकता है कि आप मार्केट की किसी बड़ी अच्छी किताब से मेरी हेडिंग मैच करें तो वो ना हो, लेकिन आपको हेडिंग मैच करने की जगह मैच करने चाहिए क्वेश्चन आंसर्स. संसार का कोई भी सवाल जो स्वर्ग से उतरा हो आपसे अगर सॉल्व हो जाता है तो मेरी दवाई बढ़िया है. तो प्लीज कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आंसर्स एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द हेडिंग का नाम. ठीक है जी? किसी की दवाई किसी तरह की, किसी की दवाई किसी तरह की, असर बढ़िया होना चाहिए. तो पहली दवाई है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सामान के केस में कैसे पता चलेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ठीक है जी, देखें,
लिखिएगा पॉइंट नंबर वन, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. क्या मतलब हुआ? आराम से आप इसको समझते रहिए. पहले पॉइंट नंबर टू एक मिनट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊं. पॉइंट नंबर टू, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मींस लास्ट डेट ऑन और बिफोर विच invoice should have been made. Last date on or before which invoice should have been made. इसी के आगे लिखिए last date है क्या? On or before dispatch of goods. Or on or before goods being made available to the receiver or buyer. आराम से आप ना ये दोनों लाइनें लिखकर भूल जाइए कि आपने कुछ लिखा है. हमारे अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको अलग अलग सिनेरियो समझ आ जाएंगे और आपके अंदर खून के अंदर रगों में बहने लगेगी क्या टाइम ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मींस लास्ट डेट ऑन और बिफोर विच इनवॉइस शुड हैव बीन मेड, लास्ट डेट इज ऑन और बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स और ऑन और बिफोर गुड्स बीइंग मेड अवेलेबल टू द रिसीवर और बायर. ठीक है, कुछ मत समझिए आप. अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहला आराम से समझिएगा प्लीज. हमारा क्वेश्चन में सेलर है ए, बिल्कुल रिलैक्स होके समझेंगे ना तो दो दिन भी लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. वैसे ये चैप्टर दो दिन में ही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो दो के तीन भी लगे तो घबराना नहीं है. सेलर कौन है? ए. बायर कौन? बी. ठीक है, राइट. डेट ऑफ ऑर्डर जो हमने ऑर्डर किया वो है 21 जुलाई 2022. डेट ऑफ एडवांस 22 जुलाई 2022. डेट ऑफ डिस्पैच, ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ डिस्पैच 1 अगस्त 2022. डेट ऑफ इनवॉइस 14 अगस्त 2022 एंड डेट ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस बचा होगा वो 16 अगस्त 2022 को करा. ठीक. फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम. बस वो कभी कभी पैराग्राफ में फालतू की बातें देता है. रमेश मदुरई में रहता था, वो एक दिन चेन्नई गया,
उसने माल खरीदा, अब वो कुछ भी आलतू फालतू करता रहे, फैक्ट्स यही है ना, ये है काम की चीजें जो हम मिल गई। अब टाइम ऑफ सप्लाई में दो ही तो पॉइंट लिखे हैं तुमने, जो दूसरा है वो तो मैं सच बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन है, जो दूसरा है वो तो एक्सप्लेनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि ड्यू डेट किसे कहते हैं, वो तो छोड़ो मारो गोली उसे, तुम पहला रूल बताओ क्या लिखा है तुमने, तुमने लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई मतलब गुड्स के केस की बात चल रही है, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मतलब अपने को दो डेट्स में कंपेयर करना है विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को इस तरीके से पोजिशनिंग करो कि क्वेश्चन की लंबाई और चौड़ाई को देखकर अपने आप को घबराना नहीं है, तुम्हें झूले की रस्सी पकड़े रहना है, अगर तुम फार्मूले को पकड़े रहोगे तो कभी आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से रूल का क्या नाता, रूल तो वही है ना, हम कह रहे हैं टाटा बिरला का केस हो या इलाके के लाला जी का, टाइम ऑफ सप्लाई का नियम तो वही है ना, क्या नियम है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब जितना हमें आता है उतना जरा हम लिख देते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, राइट। यहां पर इज इक्वल टू करके जगह छोड़ देते हैं, नीचे जरा थोड़ा सा नोट बनाते हैं हम, इसका मतलब अपने को डेट ऑफ इनवॉइस पता चल जाए और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस पता चल जाए, तो दोनों में से जो कंपेयर करेंगे अर्ली आएगी वो ऊपर चिपका देंगे, चार नंबर आ गए। बाजार में जो स्कैनर मिलता है सर, वो स्कैनर नहीं है, वो आईना है कि ऐसे आता है पेपर में सवाल। अब बताइए इनवॉइस की डेट तो क्वेश्चन में गिवन है, लिख देते हैं क्या है, 14/8/22 ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, ये तो आती नहीं निकालनी यार, कैसी निकलेगी। ड्यू डेट का रूल पढ़ो, ड्यू डेट कहता है, ड्यू डेट का नियम कहता है कि माल के डिस्पैच से पहले या उस दिन ऑन और बिफोर डिस्पैच बिल बन जाना चाहिए। मतलब ऐसे कौन सा दुकानदार है साहब के बिना पर्चा बनाए अपनी दुकान से माल इशू कर दिया तूने। भाई आप अपनी मोहब्बत में किसी को कितनी भी पेटी सामान देते फिर वो आप जानो, लेकिन नियम ये कहता है कि आपकी दुकान से माल निकला तो बिना इनवॉइस के कैसे निकल गया। इसका मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डिस्पैच की डेट या उससे पहले। तो इसका मतलब डिस्पैच की डेट लास्ट डेट हो गई, कब डिस्पैच हुआ बताइए, 1/8/22 को बिल बन जाना चाहिए था, माल उसके बिना कैसे निकल गया। तो इन दोनों में से जो अर्ली होगा, मतलब कौन, 1 अगस्त 2022, तो यहां पर हमने 1 अगस्त 2022 आंसर कर दिया, बस इस बात के पैसे हैं। तो सर कुछ लोग जानबूझकर बिल लेट क्यों बनाते हैं, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो दोनों अगस्त में पढ़ रहे हैं, ये भी अगस्त है ये भी अगस्त है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 सितंबर ही लास्ट डेट बन रही है टैक्स की। लेकिन अगर हम षड्यंत्र रचते तो हम जानबूझकर बिल बनाते सितंबर में, हमें क्या लगता कि सितंबर में बिल बना देंगे तो टैक्स ना अक्टूबर में देना पड़ेगा, जबकि सरकार बहुत समझदार है, सरकार करिए बेटा बिल तो कभी बना, अगर बिल की ड्यू डेट अर्ली थी तो अर्ली वाले को हम तो टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, समझ गया सर ये बात आप। तो इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना क्यों रेलेवेंट है बताइए, इससे टैक्स के पेमेंट की डेट कैलकुलेट होती है, समझ आ गई जी बात, इससे टैक्स के पेमेंट की डेट कैलकुलेट होती है, बिल्कुल क्लियर। चल ये तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा हो लिखें, छोटे छोटे 3-4 केस ना करना मजबूरी है हमारी, तो आप ये ना समझें इतने सारे एग्जाम्पल करके क्या होगा, हर उदाहरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी,
छुटपुट छुटपुट बातें चेंज हो जाएंगी, तो वो देखते हैं क्या क्या हो, कैसे कैसे होगा। हाँ, क्योंकि माल निकलने से पहले या उस दिन तक बिल बन जाना चाहिए था, तो पहले नहीं बनाया तो कम से कम उस दिन बना लेते, तो वही लास्ट डेट हो गई हमेशा। जी सर, 20 अगस्त, तो फिर 20 अगस्त यहां लिख देते, ड्यू डेट हो जाती 20 अगस्त, तो 14 और 20 विचेबर इज अर्लियर, 14 तो यहां 14 लिख देते। प्रश्न यदि परिवर्तित हो तो फार्मूले के आगे डेट बदल दो, फिर देख लो दोनों में से जो अर्ली है इसे छाप दीजिए फटाफट। बहुत कुछ होता है मैडम, क्वेश्चन में इतना कुछ होता है, कभी डिस्पैच की डेट गायब, कभी पेमेंट की डेट गायब, कभी एक एक चीज की दो दो डेट दे रखी है, तो वही अपने को थोड़ा कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना के देखना है कि भी क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, चलो अब दूसरा, दूसरा केस देखते हैं जी। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस 14 अगस्त 2022, डेट ऑफ डिस्पैच पार्ट वन, थोड़ा माल डिस्पैच हुआ, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा माल डिस्पैच हुआ 1 अगस्त 2022। डेट ऑफ डिस्पैच पार्ट टू 16 अगस्त 2022। डेट ऑफ कंप्लीट पेमेंट 2 सितंबर 2022। हाँ जी, अब क्या करें, अब बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई लिख देते हैं, वो फार्मूला पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन तो समझ आ नहीं रहा, इसमें तो हम कमजोर पड़ गए, कोई बात नहीं, फार्मूला तो याद है ना, उतना ही लिख के आओगे, क्या पता एक नंबर मिल जाए इस बात का। आइए, TOS इज इक्वल टू, सब जगह TOS निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या बताओ, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज इक्वल टू करके डेट छोड़ देते हैं। अब बताओ इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस डेट बताओ 14 अगस्त। अब इससे आपको यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि यदि क्वेश्चन में कुछ समझ ना आ रहा हो कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है यहां तक लिखने के बाद छोड़ना पेपर में तुम प्रश्न, कुछ तो देगा वो, एक नंबर तो मिलेगा अपने को, फार्मूले के ही पैसे हैं थोड़े से, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, ड्यू डेट इनवॉइस की, हो वो तो समझ ही नहीं आ रही, और पता है पावन लोग हैं, यही तो असलियत में हो सकता है ना ऐसा, ये कब पता चला, इनके रेट पड़ गई आज स्टॉक में, हमने चेकिंग करी, अधिकारी को पता चल गया कि ऐसा हुआ है, बिल बाद में बना, माल पहले चला गया, ऐसा हो सकता है। अब क्या करें, अब कुछ ना करें, डिस्पैच दो है ना, तो दो ड्यू डेट आ जाएंगी, उसमें क्या कलेश है, दोनों गुड्स के वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
लेकिन अपनी अलग अलग वैल्यू होगी ना। 2 करोड़ का माल आज गया, 5 करोड़ का माल उस दिन गया, ऐसा हो सकता है ना। तो मुझे बताओ ड्यू डेट, 2 ड्यू डेट निकल आएंगी बस। पहले की ड्यू डेट बताओ 1 अगस्त 22, इसके आगे लिखो लॉट 1। हाँ ना, देखते क्या खेलेंगे। दूसरा 16 अगस्त 2022 लॉट 2। इसका मतलब यहां टाइम ऑफ सप्लाई 2 निकलेंगे, एक लॉट 1 की टीओएस अलग निकलेगी, लॉट 2 की अलग निकलेगी। लॉट 1 के लिए लॉट 1 की ड्यू डेट कंपेयर करो, लॉट 2 के लिए लॉट 2 की ड्यू डेट कंपेयर करो, सिंपल। तो सर एक बिल के मतलब 2 बार टैक्स जमा होगा, 2 बार क्यों, आधा आधा जमा हो रहा है, समझ गए सर हम। ये तो आप गलती कर रहे हो ना कि आपने बिल तो बनाया एक और माल 2 टुकड़ों में भेज रहे हो। भाई तो 2 बिल बनाने चाहिए थे आपको। तो सर सेम बिल नंबर 2 बार जीएसटी की वेबसाइट ले लेगी। पहली बात तो हमने रिटर्न का चैप्टर पढ़ा नहीं अभी, हमें क्या पता। और दूसरी बात हमें मतलब क्या, वेबसाइट लेगी कि नहीं लेगी, वो वेबसाइट वाले जाने। ठीक है जी, अब बताइए लॉट 1 की तुलना में 14 अगस्त और 16 अगस्त। सरकार अपना रेवेन्यू का लॉस क्यों करेगी भाई। आपने माल जितना पहले निकाल दिया उसका टैक्स सरकार को पहले चाहिए, बात खत्म। बस ये कोइंसिडेंस है कि दोनों डेट्स अगस्त में पड़ रही हैं, इसलिए दोनों का रिटर्न सितंबर में बैठेगा। लेकिन असलियत में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सारी तारीखें सेम महीने की हो। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एग्जामिनर कितना भी प्रश्न को घुमा दे, लंदन अमरीका से जीएसटी के क्वेश्चन चुरा के आपसे पूछ ले, है ना, सीमा लंदन के प्रश्न पूछ ले, कुछ करे हमसे क्या मतलब। हमें फार्मूला रटना है, इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। ठीक है, तीसरा केस सुनो। टेनेंट ए है किराएदार, अरे किराएदार सही, तुम तो लिखो टेनेंट कौन है, ए। तो दूसरा लैंडलॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा, लिखो ओनर बी। ठीक है, बी की संपत्ति ए ने किराए पे ले रखी है। ठीक है जी, क्या चीज किराए पे ले रखी है, टेनेंसी आइटम जनरेटर। ठीक है जी, क्लियर हो गई जी बात यहां तक, पक्का भाई। किसी ने किसी का जनरेटर भाड़े पे ले रखा है, बात समझ आ गई आपको, सिंपल है। आफ्टर टू इयर्स ए परचेज्ड सेम जनरेटर, ए परचेज्ड सेम जनरेटर फ्रॉम बी। ए ने बी से वो जनरेटर खरीद लिया जो पहले से ही हमारे पास रखा था, पहले से ही, मतलब इसमें तो डिस्पैच है ही नहीं। हो अरे याद आया आपको नियम क्या था, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी, डिस्पैच या उससे पहले। अरे तो डिस्पैच होना तो चाहिए। अब जब हमने कुछ ऐसा खरीदा जो पहले से ही अपने पास रखा है तो डिस्पैच तो है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई डिस्पैच, सामान उठ के नहीं गया, सामान उठ के नहीं गया, उसकी मालिकाना हक तो उठ के आया तेरे पास, वही डिस्पैच है। समझे सर आप, कृपया समझिए। यदि क्वेश्चन में कोई ऐसी परचेज है जिस परचेज में सामान का मूवमेंट नहीं हुआ, जिसमें सामान उठकर दूसरे के पास नहीं गया, अरे तो सामान उठकर नहीं गया तो क्या हुआ, मान लो दोपहर को 1 बजे हमने ये सामान खरीदा तो 1 बजे से पहले हम कौन थे, किराएदार, और 1:01 पर हम कौन हो गए, मालिक। सुबह आया 12वीं का रिजल्ट तो 1 मिनट पहले हम कौन थे, स्टूडेंट, और 1 मिनट बाद का हम कौन हो गए, क्वालिफाइड स्टूडेंट। आपका रिजल्ट आएगा सीएमए का तो 1 मिनट पहले आप कौन हो गए, अवेटेड रिजल्ट, और 1 मिनट बाद कौन हो गया, फाइनल के स्टूडेंट।
ये है कहने का मतलब। तो घबराइएगा मत, यदि प्रश्न के अंदर कोई वस्तु हमने ऐसी खरीदी जो पहले से ही अपने पास है तो जब खरीदी वो डिस्पैच है। समझ गए सर आप? लिखिए आप इसके नीचे, डेट ऑफ परचेज 1 दिसंबर 2022, ठीक। डेट ऑफ पेमेंट 1 जनवरी 2023। डेट ऑफ इनवॉइस 15 दिसंबर 2022। अब बताइए आप, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो पहले डेट ऑफ इनवॉइस बताइए क्या है, 15 दिसंबर 2022, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, जिस दिन परचेज करी, राइट? विच एवर इज अर्लियर, क्या? 1 दिसंबर 2022, सिंपल। इसमें है ही क्या, कुछ नहीं। कुछ है फालतू दे रखी है, सही में कुछ नहीं। हाँ, महीने से पड़ता, करेक्ट। समझ आ गई थी बात, पक्का क्लियर? सर आप ना प्लीज पेपर पुराने जो हैं या जो स्कैनर है उसको देखिएगा, चैप्टर वाइज आता है वो। उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए प्रचार प्रसार करने के, लेकिन आपके पास होगा ना तो आप घर जाके देख पाएंगे, अच्छा ये 8 नंबर में आया, ओहो, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मैं कितने चिल्लाता रहूं, ये पेपर में आता है, पेपर में आता है, पेपर में आता है। यदि आपको ये प्रश्न आसान लगेगा जो मैंने कराया, तो आपको क्या लगेगा, ये थोड़ी आएगा। और यदि आपको ये भारी लगा, ये कैसे आ सकता है इंटरमीडिएट में, अरे ये चक्कर है, तो आप खुद देखें, ठीक है, और पहचानें। यहां तक समझ आ गया जी आपको? मेरे को क्लियर, अच्छे तरीके से समझ आ गया? चलो अब ये हमारा हेडिंग डालिए, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्मॉल एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्मॉल एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, बहुत आसान। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्मॉल एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब ये स्मॉल एडवांस क्या होता है, 1000 रुपए से कम को हम क्या मानते हैं, स्मॉल एडवांस। पहले तो मैं आपको ये सूचना दे दूं कि ये जो टॉपिक हम लिख रहे हैं स्मॉल एडवांस, इसको लिखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आप रूल लिखेंगे वो ही है जो इससे पहले लिखा। मतलब चाहे एडवांस छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एडवांस हो चाहे ना हो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, डेट ऑफ इनवॉइस। एडवांस मतलब क्या? लेकिन ये इन्हें किताबों को कौन समझाएगी पढ़ने वालों को, लोगों को? आप तो घर जाके इंडेक्स मैच करेंगे, ये तो कराया ही नहीं था। सर टाइम ऑफ सप्लाई यदि छोटा एडवांस हो तो कैसे निकलती है, उसको नियम पढ़ने से पहले हमें सीखना होगा कि छोटा एडवांस किसे कहते हैं। छोटा एडवांस होता है 1000 रुपए से कम।
तो ये छोटे एडवांस प्रैक्टिकली कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि हमने गुड्स खरीदा, मान लो बंबई से, हमने पूछा भाई साहब कितनी पेमेंट बनी, वो कह रहा जी 20,480 रुपए। हमने कहा यार तुम राउंड ऑफ बताया करो, 20,480 लड़का लिए खड़ा, खुल लेकर ढूंढू। तो हमने क्या करा, 21,000 का ट्रांसफर मार दिया उसे, या 20,500 का ट्रांसफर कर दिया उसे, 80 रुपए ज्यादा ही तो दिए, ठीक है नहीं? अब सरकार की निगाहें देखिए कितनी तेज हैं। सरकार कह रही है तूने जीएसटी तो मुझे खाली 20,480 पे दिया। तो बंबई का सेलर कह रहा जज साहब हमने बिल तो 20,480 का बनाया था ना, तो उस पर जीएसटी 20,480 का ही तो लगेगा। जज कह रहा अच्छा ये जो 20 रुपया तुझे ज्यादा मिले जब तूने कमाया तो सरकार न कमाए मतलब उस पर। वो कह रहा चलो यार 20 रुपए पे जीएसटी दे देते हैं, तो चाहो तो अभी दे दो, चाहो तो अभी दे दो, बोल नहीं रहे तुम, चाहो तो अभी दे दो, चाहो तो अब जब अगले बिल में एडजस्टमेंट होगी तब दे देना। समझे सर आप? इट्स वेरी सिंपल। ऐसे समझो कि 20,480 रुपए तो पूरे आ चुके, 20 रुपीज ज्यादा आए ना, तो वो जो 20 रुपीज आए वो तो आगे जब ट्रांजेक्शन होगी उसमें एडजस्ट होंगे, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए, फ्यूचर की ट्रांजेक्शन के लिए, भविष्य की ट्रांजेक्शन के लिए ये 20 रुपए तो एडवांस हो गए ना। लेकिन आपने देखा अभी पिछले क्वेश्चंस में कि पेमेंट की डेट तो मैटर ही नहीं करती, तो 20 रुपए कब आए और कब गए हमें क्या मतलब यार इससे? जब भी अगला इनवॉइस बनेगा उस डेट को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और इस 20 रुपए पर भी जीएसटी कब देंगे? जब वो इनवॉइस बनेगा उस इनवॉइस के अगले महीने की जो 20 तारीख होगी। समझ गए आप? ये टॉपिक क्यों है वो समझिए आप। सन 2017 में ऐसा नहीं था, जब जीएसटी आया था ना तब रूल कुछ और था, तब रूल था इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उस जमाने में पेमेंट अगर पहले आती थी तो उस पर बताओ उसको मानते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई रूल बचा नहीं। वो इसलिए क्योंकि एडवांस में कभी कभी रिफंड करने पड़ जाते हैं। मान लो हमने पैसे एडवांस दे दिए, हल्दीराम को बोला हमने का 50 थाली भाई 1 जनवरी को भिजवा दियो, ठीक, हमने एडवांस भी दे दिया। फिर पता चला कुछ दिन बाद हमें कोई और बढ़िया दुकान मिल गई कम पैसों वाली, तो हमने हल्दीराम से कहा यार कैंसिल कैंसिल ऑर्डर अपना ला, हमें पैसे दे दे वापस, हम ले आए पैसे वापस। अब सोचो अगर एडवांस पे जीएसटी होता तो वो तो जीएसटी दे चुकी होती सरकार को, फिर वो हमसे कहती यार तूने जो 10,000 दिए थे उसमें से 1,800 रुपए तो सरकार ले गई, बचे हुए दूंगी मैं तो वापस। समझ गए? अब एडवांस पे कोई जीएसटी नहीं, तो छोटा एडवांस मतलब 1,000 रुपए से कम यदि हम ये किसी को दे देते हैं तो भी इसे इग्नोर कर देना है, अगले महीने की वो अगले इनवॉइस की जो भी डेट होगी उस पर लेना है। लेकिन यदि सेलर चाहता है कि 20 रुपए पे अभी जीएसटी दे दो तो अभी दे दे, हमें क्या प्रॉब्लम है, सरकार को जल्दी टैक्स से प्रॉब्लम थोड़ी है। क्लियर हो गई जी बात? आई लिखें आप पॉइंट 1, स्मॉल एडवांस मींस एडवांस अप टू ₹1,000, अप टू है, अच्छा तो 1,000 रुपए तक इसी में है, अप टू ₹1,000 फुल स्टॉप। इफ दिस एडवांस अमाउंट इज गिवन, इफ दिस एडवांस अमाउंट इज गिवन against some future purchase of goods, against some future purchase, against some future purchase of goods, comma, time of supply will still remain time of supply will still remain the same
टाइम ऑफ सप्लाई विल स्टिल रिमेन द सेम, मतलब इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हो गई जी बात? पक्का जी पक्का। अगली हेडिंग, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेस। हाँ, एडवांस वाले में ना, हाँ था भी फालतू। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, अभी क्वेश्चन दो चार इंस्टीट्यूट की किताब के देखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, देखो जी ऐसा है, आपको याद होगा कि गुड्स में आपने पढ़ा था, सीखा था कि इनवॉइस माल के डिस्पैच से पहले बन जाना चाहिए या उस दिन बन जाए, लेकिन डिस्पैच के बाद नहीं। डिस्पैच कैसे होगी बिना बिल के, है ना? क्या सर्विस में भी यही होगा या सर्विस में बाद में बन सकता है इनवॉइस? सर्विसेज के केस में इनवॉइस का पहले बनना कंपलसरी है गुड्स की तरह, या सर्विस की डिस्पैच के बाद भी इनवॉइस बन सकता है? पहले ही बनना चाहिए या बाद में भी बन सकता है? क्या क्वेश्चन समझ गए आप? गुड्स में जैसे हमने पढ़ा कि माल बाद में डिस्पैच होगा, बिल बनाओ पहले, नहीं बना तो गलत बात, बिल पहले डिस्पैच बाद में। लेकिन क्या सर्विस में कभी ऐसा हो सकता है कि जो बिल है वो पहले ना बने, सर्विस पहले चल रही है, सर्विस पहले ही हो गई और बिल बाद में बन रहा है? हाँ, सर्विस में तो 90% बाद में बनता है बिल। इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाइए आप अपने घर में, ठीक, जब तक उसकी सेवाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक बिल नहीं बनाता। वो बजट देता है 10 लाख का, लगवाता है 24, पहले कैसे बिल बन जाएगा उसमें? वहां बैठ जाइए आप सलून में या पार्लर में, आप तो जाएंगे बाल कटवाने, 6 चीजें और आपको करके भेजेगा वो, तो सर्विस पहले दे दी ना उसने आपको, बिल बाद में बना। समझ आई हमें बात? टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल पोस्टपेड, पहले आप सर्विस इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरी महीने बात करी खूब, बाद में बिलवाया, अरे ये कैसे हो गया, ठीक है ना? पक्का समझ आया? इसका मतलब इसमें ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डिस्पैच तो हो नहीं सकती, इसका मतलब इसमें ड्यू डेट कुछ और ही होगी। बताओ पहले याद रहेगा? ये लिखेंगे भी, लेकिन कॉमन सेंस कि जो डिस्पैच से पहले ही चाहिए बिल, ये नहीं हो सकता यहां, ठीक है? तो यहां ड्यू डेट क्या होगी? सर्विस खत्म होने के 30 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए। क्या नियम है? सर्विस के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए, सर्विस के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए, ठीक सर? ना बना तो वो छोड़ो ना तुम यार, अभी देखते हैं नियम क्या है। सर्विस के 30 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए तो टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और होगा, और अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं बना तो टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और होगा। समझ आ गई जी बात? आइए लिखें, इफ, लिखिएगा पॉइंट वन, इफ इनवॉइस इज मेड, इफ इनवॉइस इज मेड within 30 days of completion of service, if invoice is made within 30 days of completion of service, comma, time of supply shall be as follows, time of supply shall be as follows, date of invoice or
और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हो गई जी बात? इनवॉइस अगर बन गया तभी तो इनवॉइस को कंपेयर करेंगे, यही तो लिखा आपने। अगर इनवॉइस बन गया तो याद रखना बड़ा आसान है, बन गया तो इनवॉइस है ना, उसे और पेमेंट को कंपेयर कर दो, दोनों में से जो अर्लियर हो। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, इफ इनवॉइस इज नॉट मेड, इफ इनवॉइस इज नॉट मेड इन 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इफ इनवॉइस इज नॉट मेड इन 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस कॉमा, तो क्या करें? टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी एज फॉलोज। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी एज फॉलोज। अब देखो आप, कंपेयर तो दो ही डेट्स करनी है, विच एवर इज अर्लियर भी है, लेकिन वो दो डेट कौन सी है वो देखो। पहले आप ये बताओ ओरिजिनली क्या था, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। वो तो तब था जब इनवॉइस बना था। अब अगर इनवॉइस नहीं बना तो पेमेंट की डेट तो उठा ही सकते हैं ना, तो डेट ऑफ पेमेंट तो यहां जो थी वो एज इट इज है। अब यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस तो है नहीं, तो उसकी जगह क्या ले लेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। चलिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, ये आपको टेबल दी है एग्जाम्पल में, ये सर्विस शुरू कब हुई, सर्विस खत्म कब हुई, पेमेंट कब हुआ, बिल कब बना, और ये आपको कैलकुलेट करना है। राइट, सर्विस शुरू हुई 1 जनवरी 2022 को, सर्विस पूरी हुई 14 जनवरी 2022 को, पेमेंट हुई 31 दिसंबर 2021 को, और बिल बना 30 दिसंबर 2021। हाँ तो उसमें क्या है, वो तो ये है कि भाई हमें एडवांस दे आए, वो बदमाश शुरू ही नहीं कर रहा था। और पता है सर्विस सेक्टर में तो चलन ही ये है, ये लोग पैसे पहले ले लेती हैं जनरली। अच्छा, 16 मार्च 2022 टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है, निकालो भाई। चल ये कैलकुलेट करेंगे सब लोग, और जब आप कैलकुलेट कर लो तो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे करके दो तीर बना देता हूं, इन दो में से अर्ली यहां पर लिख देंगे।
ठीक है। अब जो दो डेट कंपेयर करनी है, पहले वो बताओ क्या है। अगर इनवॉइस 30 दिन में बन गया तो इनवॉइस और पेमेंट लेनी है कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, आई फॉर इनवॉइस, पी फॉर पेमेंट, एस फॉर सर्विस, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि अपने नियम के मुताबिक इस क्वेश्चन के अंदर सर्विस खत्म होने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस बना कि नहीं बना। सर्विस खत्म हो गई थी 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी से लगभग 13 फरवरी या 14 फरवरी को 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तो लेकिन इनवॉइस तो मार्च में बना, ओहो 30 दिन निकल गए, इसका मतलब इनवॉइस और पेमेंट नहीं ले सकते, इसका मतलब सर्विस और पेमेंट कंपेयर करेंगे। तो जरा देखते हैं सर्विस और पेमेंट, सर्विस की डेट क्या है, 14 जनवरी 22, और पेमेंट की डेट 31 दिसंबर 21। तो इसका मतलब हमें किसका मानना है, विच एवर इज अर्लियर, क्या है फिर 31 दिसंबर 21। इसका मतलब इसकी जीएसटी जनवरी में ही देनी पड़ जाएगी आपको, बिल बनता फिरे बाद में, पेमेंट होती फिरे पहले, हमें नहीं पता। सरकार कह रही है तू कमा के बैठा, मुझे पैसे नहीं दे रहा, तूने कब कमाई करी, पिछले साल ही, तो मुझे इस साल के इस महीने में पैसे दिए, ओके ठीक। आइए अगला देख जी, अगला उदाहरण, सर्विस शुरू हुई 1 जनवरी 2022 को, सर्विस खत्म कब हुई, स्टिल कंटिन्यूइंग, ओहो सर्विस खत्म ही नहीं हुई अभी चल रही है, अरे चलने दो, हमें क्या है, हम तो अपने नियम पर अटके फिरेंगे। पेमेंट 31 दिसंबर 2021, इनवॉइस 16 मार्च 2022। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। अब सबसे पहले तो कलेश ये है कि जो सर्विस खत्म होने का दिन है उससे 30 दिन गिनने होते हैं, हो वो गायब है, इसका मतलब अभी सर्विस खत्म ही नहीं हुई। जो तो जब सर्विस खत्म नहीं हुई तो इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट भी खत्म नहीं हुई अभी, तो इसका मतलब इनवॉइस और पेमेंट वाला ही रूल लगेगा। बस 30 दिन की गरिमा यदि टूट जाए, 30 दिन की मर्यादा यदि छूट जाए, 30 दिन की लिमिटेशंस अगर हम छोड़ दें, तब थे ना सर्विस और पेमेंट। जब यहां 30 दिन पार ही नहीं हुए, पार तो छोड़ो शुरू ही नहीं हुए अभी 30 दिन, है ना, यही तो है। तो जब वो शुरू ही नहीं हुए तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखो आप यहां पर कंपैरिजन में किसको लेंगे, इनवॉइस और पेमेंट, तो बताइए इनवॉइस कब का, 16 मार्च 22, और पेमेंट 31 दिसंबर 21। तो आंसर क्या आया, 31 दिसंबर 21। अब सोचो आंसर दोनों का सेम है, लेकिन जो बैकग्राउंड कैलकुलेशन है वो दोनों की अलग है, इसका मतलब पैसे इसके नहीं है, इसके भी हैं। आगे वाले से एग्जाम हॉल में छुप छुप कर पूछ कर ये तो लिख सकते हो आप कि लास्ट आंसर ये, लेकिन वो कैसे आया वो भी तो बताना पड़ता है, ठीक है भाई, ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए अगला, इसी में एक और एग्जाम्पल करना है, हाँ जी, सर्विस शुरू हुई 1 जनवरी 2022 को, सर्विस पूरी हो गई 16 मार्च 22 को, हमने पेमेंट करी 50% करी हमने 31 दिसंबर 21 को, और 50% करी हमने 4 अप्रैल 22 को, और इनवॉइस बनाया गया 17 मार्च 22 को,
अब बताओ आप। तो कुछ दिक्कत थोड़ी है इसमें, दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, तो पहले पहले 50% के लिए निकालो, फिर दूसरे 50% के लिए निकालो। हाँ भाई, पहले की कंपैरेटिव्स बताइए, किन दो चीजों में कंपेयर होगा? पहला हिस्सा मतलब 50% जो पेमेंट हुई 31 दिसंबर को। रूल क्या है? क्या इनवॉइस 30 दिन में बना सर्विस खत्म होने के? हाँ बन गया, अगले दिन बन गया। तो अपने को कंपेयर क्या करना है? इनवॉइस एंड पेमेंट। तो आई और पी कंपेयर करना है। तो आई कब का है? 17 मार्च 22। और जो पहली पेमेंट है वो कब है? 31 दिसंबर 21। तो यहां तो आ गया 31 दिसंबर 21, ठीक। और दूसरा हिस्सा, उसमें भी तो आई और पी ही कंपेयर करना है। तो आई कब का है? सेम 17 मार्च 22। और पेमेंट कब है बची हुई? 4 अप्रैल 22। तो फिर 17 मार्च 22 खत्म। ये यहां जितना आसान लग रहा है ना, पेपर में भी उतना ही आसान होगा यदि तुम प्रश्न को देखकर ना घबराओ तो। अननेसेसरी लंबा निबंध लिख के देगा वो। हम एक बैंक में गए, चेक आज हमने जमा करा, फिर उसके बाद बैंक में हड़ताल हो गई, 3 दिन बाद वो क्रेडिट हुआ, हमें तो पेमेंट इस दिन प्राप्त हुई ना, वो लाइन चुरा लो, बाकी ऐसी तैसी उनसे मतलब क्या आपने को? समझ आ गया जी? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज में कौन सा पॉइंट चल रहा था? ये पॉइंट नंबर 3 लिखना जरा, सेम हेडिंग में पॉइंट नंबर 3, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस में पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, दीज 30 डेज विल बी टेकन एज 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड NBFCs। समझ आ गया जी? पक्का क्लियर? ये क्या है कि जो बैंक है ना उन पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कंपनीज, हाँ इनके पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत है, तो बस इन्हें 15 दिन ज्यादा दे दिए गए कि तुम इनवॉइस 30 दिन की जगह अगर 45 दिन में बना लोगे तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। और अगर 45 डेज में इनवॉइस नहीं बना तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस इन्हें 30 की जगह 45 से कैलकुलेशन करनी है इनमें। हो गया जी काम? अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स, मैं वाउचर का यहां मतलब बता दूं, वाउचर यहां अकाउंट्स वाला वाउचर नहीं है, वाउचर मतलब है गिफ्ट कूपन्स, जो बिग बाजार जैसी जगहों पर जाकर आप, शॉपर स्टॉप जैसी जगहों पर जाकर आप इन कैश कर सकते हैं। हां जी, अब जरा इसे समझ लीजिए प्लीज। आप वाउचर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, गिफ्ट कूपन या कूपन इन इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो वो जिससे वही खरीद सकते हैं जिसके लिए वो बना है, मतलब किसी कॉस्मेटिक कंपनी ने वाउचर इशू करा
कि क्योंकि आपने हमारे यहां से 5000 रुपए के कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं, हम आपको 500 रुपए का एक वाउचर गिफ्ट कर रहे हैं, आप जब भी आएंगे हमारी शॉप पर 500 रुपए के कॉस्मेटिक आप ले जा सकते हैं। ठीक, कॉस्मेटिक पर मान लो जीएसटी है 12%। तो जब वाउचर इशू हो रहा था तो पता था कितने रुपए का वाउचर है? हाँ, 500 रुपए का। और क्या यह पता था कि इससे क्या खरीदा जा सकता है? हाँ, कॉस्मेटिक। क्या हमें यह पता था कि कॉस्मेटिक का जीएसटी कितना है? हाँ, 12%। तो सरकार करी ऐसा है, जिस दिन वाउचर इशू हुआ ना, बस वही डेट क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। सरकार की वो देखें आप कलेसी हरकत, मतलब मान लो आपको वाउचर मिल गया मैडम, जरूरी आप यूज करेंगी? नहीं, मान लो उस कंपनी ने आपको एक साल का समय दिया कि एक साल में कभी भी आ जाना, जरूरी हम यूज करेंगे? नहीं यूज करा हमने, वॉशिंग मशीन में धुल गया कल तो, वो फेंक दिया, नहीं गए। मतलब हो सकता है कि उस दुकानदार की वाउचर के माध्यम से सेल हो सकता है ना हो, है ना? लेकिन सरकार क्या कह रही है, जिस दिन वाउचर इशू करा उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ, 500 रुपए पे जीएसटी ले रही है सरकार अगले महीने की 20 तारीख पे। मतलब ग्राहक ने वाउचर यूज करा हो चाहे ना करा हो, रिडेम्पशन करा हो चाहे ना करा हो, परचेज करी हो चाहे नहीं करी हो, तूने वाउचर इशू करा ना, बस अगले महीने की 20 तारीख तक 500 रुपए पे टैक्स दे दियो। समझा? डू वी गेट इट नाउ? समझ आया पक्का? तो जितने रुपए का वाउचर कम हुआ, जितने रुपए का वो जो डिस्काउंट वैल्यू है, वो तो सही है, बस वो जो वाउचर है वो 10% ऑफ का है, उस वाउचर के बदले जो पैसे हैं वो तो करने ही है ना पेमेंट, बस 10 रुपए का, 100 रुपए का आइटम 90 रुपए मिलेगा, तो फिर वो यहां पर केस नहीं लगा, वो तो डिस्काउंट कूपन है। हम क्या करेंगे, जब भी वो खरीदेगा तो 90 रुपए पे जीएसटी लगा देंगे, हमारे वाउचर में पैसे नहीं देने, इसमें फ्री में सामान मिलेगा। आपको क्वेश्चन समझे उसका, अगर वाउचर पे ये लिखा हो कि इसके बदले गुड्स नहीं मिलेंगे, इसके बदले डिस्काउंट मिलेगा, तो वो यहां पर नहीं आया हमारी कैटेगरी में, फिर तो वो वाउचर जब भी यूज होगा तो डिस्काउंट हटा के 90 रुपए का सामान हुआ तो उस पर जीएसटी लगाएंगे। वो यहां कौन सा वाउचर है, कोई पैसे नहीं देने, पर्ची तो पकड़ाई, गुड्स मिल गए। हाँ, ना, हाँ उस पर भी हटेगी, सिर्फ 90 पे जीएसटी लगेगी। ठीक, लेकिन ये वाला वाउचर वो वाला वाउचर नहीं है, अलग अलग है। यहां कौन सा वाउचर है, पैसे देने नहीं है, पर्ची गई सामान आ गया, राइट? तो ये वाला जो आपने वाउचर सुना कॉस्मेटिक वाला, इसमें तो सरकार ने नाइंसाफी करी है ना भाई। फ्री का तो खैर वो तो सरकार ये मान रही है कि वाउचर कभी फ्री का नहीं होता, उसने जो ओरिजिनल तुमने 5000 की परचेस करी उसी में खा लिए उसने पैसे। कैश वाउचर का मतलब कैसे? हाँ वही तो आगे आगे पढ़ते हैं उसका, पहले बताइए समझ आ गया। अब दूसरा वाउचर क्या कहता है, कुछ भी खरीद लीजिए, ये तो आपके ही पैसे हैं। 500 रुपए का वाउचर है भाई, कॉस्मेटिक नहीं, हमारे शोरूम में सजी हुई अनगिनत चीजों में से कुछ भी ले लीजिए। तो ये बताओ कितने रुपए का वाउचर है, ये पता है अभी? हाँ, 500। इस वाउचर से क्या खरीदा जा सकता है, ये पता है अभी? कुछ भी। तो वो क्या खरीदेगा ये पता है अभी? नहीं। तो जब यही नहीं पता कि वो क्या खरीदेगा तो उस पर लगा हुआ जीएसटी रेट कैसे पता अभी? इसलिए अभी मत दो जीएसटी इस पर। जिस दिन ये वाउचर एनकैश होगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो सरकार को मजबूरी है इसलिए बाद वाला दिन मान रही है, क्योंकि परसेंटेज क्या लगाऊं। ठीक भाई, शॉपर स्टॉप पर बड़ी दुकान पर कॉस्मेटिक भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, और वो स्टेशनरी भी मिल रही है, सब पे जीएसटी रेट अलग अलग है। तो जिस दिन वो एक्चुअल में यूज करेगा वाउचर उस दिन आइटम पता चलेगा और जीएसटी रेट पता चलेगा, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर हो गया जी बात? आई नहीं करते हैं। वो तो ये है ना कि कुछ अनअवेयरनेस और कुछ ग्राहक कुछ ऐसा कि हमारी दुकान पे दूसरा आइटम मिलता ही नहीं। हम 100% कॉस्मेटिक की दुकान हो और हमने वाउचर इशू करा तो हमारे यहां से कोई क्या ले लेगा कॉस्मेटिक। आई पॉइंट वन, इफ द सप्लाई
विच विल बी डन अगेंस्ट वाउचर इफ द सप्लाई विच विल बी डन अगेंस्ट वाउचर कैन बी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर इटसेल्फ वाउचर के इशू करते समय ही हमें पता था कि क्या खरीदा जा सकता है कॉमा देन डेट ऑफ इशू शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई देन डेट ऑफ इशू शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है पॉइंट टू इफ द सप्लाई विच विल बी डन अगेंस्ट If the supply which will be done against voucher cannot be identified, at the time of issue and various different rate items can be purchased और अलग अलग आइटम खरीदे जा सकते हैं various different rate items can be purchased comma time of supply shall be Time of supply shall be date of redemption of voucher. हाँ जी क्लियर हो गई जी बात अगली हेडिंग टाइम ऑफ सप्लाई फॉर अमाउंट रिसीव्ड एज लेट फी लेट फाइन इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट हां जी Time of supply for amount received as late fee, late fine, interest or penalty for late payment. क्या करा हमने जी हमने कस्टमर को बिल दिया 25,000 रुपए का गुड्स का मान लो तो रूल क्या है 25,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा डेट ऑफ इनवॉइस जिस भी दिन इनवॉइस दिया उसी दिन के हिसाब से अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्स पे करना है समझ आ गया सर्विस में भी हो सकता है ऐसा सर्विस पूरी हुई इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से 25,000 रुपए पे जीएसटी लग जाएगा समझ आ गया एक बार लेकिन असली बाजार में होता नहीं ना ऐसा
कि इनवॉइस इशू करा और पेमेंट आ गई तुरंत। हमने इनवॉइस के पीछे लिख दिए नियम कि यदि आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो हम आपसे 200 रुपए ज्यादा लेंगे, 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो 400 रुपए ज्यादा लेंगे। मतलब हम कुछ 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 पेनल्टी के क्लॉज अपने बिल में लिख सकते हैं ना, हमारा मन। मतलब ये कोई रूल नहीं है 30 दिन पे 200 रुपए, हमने अपना नियम बना लिया, भाई हमारी पेमेंट लेट करोगे अपन इतने रुपए की पेनल्टी लगा देगा, फिर देखियो तुम। ठीक, ओके। अब पेनल्टी लगाने से ही रिकवर हो जाती है या हो सकता है ना रिकवर हो? हो सकता है ना रिकवर हो। पेमेंट हो गई लेट, 25,000 के बन गए 25,400, हमने पार्टी को फोन करा, हाँ भाई पैसे कब दोगे, 400 रुपए की पेनल्टी लग रही है। वो कह रहा देखो जी 400 रुपए वेव करो तो मैं अभी पैसे दे रहा हूं। हमने कहा अच्छा यार चलो वेव करे, 25,000 भेज रहे हो, उसने भेज दिए, हमने पेनल्टी वेव कर दी। तो हमें कमाई हुई 400 रुपए की कि नहीं? नहीं हुई। तो उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं? नहीं। ठीक है ना। लेकिन मान लो 400 रुपए की कमाई होती तो क्या ये एडवांस में पता था कि 400 रुपए की कमाई होगी या एडवांस में नहीं पता? तो इनवॉइस की डेट नहीं ले सकते आप पेनल्टी के केस में। 25,000 रुपए का जो इनवॉइस है उसके लिए तो डेट ऑफ इनवॉइस गुड्स के लिए और डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सर्विस के लिए, जो बिल में छपा अमाउंट है उसके तो वही रूल लगेंगे जो हमने अभी पढ़े। लेकिन इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का फिक्स थोड़ी है कितना लगेगी। क्या पता 4 महीने लेट कर दे पेमेंट, 400 के 4,000 हो जाए और फिर उसके बाद मांडवली कर लें, हम सेटलमेंट कर लें, कम पैसा रिकवर हो हमें। तो ये जो पैसे हैं ना, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, ये जब मिलेंगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जिस दिन मिलेंगे उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि इनका इनवॉइस नहीं होता। ठीक है, आगे भविष्य में आप पढ़ेंगे कागज होता है डेबिट नोट, इनके डेबिट नोट होते हैं, समझ गया। इसमें इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर नहीं देखना, इसमें डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं देखना। बस ये लगाने से थोड़ी होता है कि तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दी मैंने तो मेरी इनकम हो ही गई। अरे असलियत देख तो लो रिकवर हो रही है कि नहीं। 90% तो बैंकों से हम पेनल्टी माफ करा लेते हैं। तो यदि पेनल्टी रिकवर हुई तो जिस दिन हुई उस दिन को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? आइए देखें, समटाइम्स सप्लायर इंपोजेस पेनल्टी ऑन रिसीवर, समटाइम्स सप्लायर इंपोजेस पेनल्टी ऑन रिसीवर फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट, फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट ऑन टाइम। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट शैल बी डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट, डेट ऑफ एक्चुअल रिसीव और सच ऑफ सच पेमेंट, डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ सच पेमेंट। सिर्फ दो छोटी छोटी हेडिंग बची हैं, उनको करने से पहले मैं इनका क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं। जो दो छोटी छोटी हेडिंग बची हैं वो है रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा, तो रिवर्स चार्ज हमें रिवाइज करना पड़ेगा पहले, और दूसरा कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगा। इन दो विषयों को लिखने से पहले एक बार इंस्टीट्यूट की किताब को निहार लेते हैं। पहले बताइए यहां तक लिख लिया?
हाँ जी, सो हियर वी हैव द टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. ये देखिए आप, लेट अस सॉल्व इट. कुछ नहीं नोट करना आपने, रिलैक्स. सिंपल सी डेट ही तो है, वो देख लेंगे. क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. पी ऑफ चेन्नई नजर आ रहा है आपको? पी ऑफ चेन्नई सप्लाईज गुड्स टू बी ऑफ बेंगलुरु. तो अब वो चेन्नई का है, वो बेंगलुरु का, मैं क्या करूं? है ना, फालतू बात दे रखी होती है. चेन्नई के पी ने बेंगलुरु के बी को माल भेजा. पी हैज टू सेंड द गुड्स फॉर डिलीवरी फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु. मतलब ये डिस्पैच का केस है, इसमें डिस्पैच होगी. ये वो वाला केस नहीं है कि हमने जनरेटर खरीद रखा, पहले ही हमने किराए पे ले रखा और हमारे ही आंगन में रखा है वो. ये वो नहीं है. यहां पर चेन्नई से बेंगलोर गुड्स जाएगा. तो कब गुड्स गया? पी सेंड्स द गुड्स टू बी ऑन 30 अक्टूबर. बस रुक जाओ एक मिनट. इसका मतलब 30 अक्टूबर डिस्पैच की डेट है. इसका मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 30 अक्टूबर है. समझ गया? अब ये नीचे जो इतनी भयंकर टेबल है, हमें इससे क्या करना? तुम्हें एक चीज मिल गई, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. बस इसे किससे कंपेयर करना है? इनवॉइस से. बाकी कुछ भी होता फिर क्वेश्चन में मुझे क्या करना? कुछ नहीं. आइए, टर्नओवर ऑफ पी इन द प्रीवियस ईयर वाज ₹2 करोड़. क्या हमने कुछ लिखा कि इतना टर्नओवर होगा तो ये होगा उतना टर्नओवर? पहले होता था, पहले 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए अलग नियम थे, 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अलग नियम थे. अब कुछ नहीं ऐसा. फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियोस. ये जो कॉलम है सिर्फ इनका नाम पढ़ना आप. रिमूवल ऑफ गुड्स, वो तो दे रखा है 30 अक्टूबर. इसके नीचे देख के क्या करोगे? डेट ऑफ इनवॉइस. यस, यही तो चाहिए था. बस दो डेट कंपेयर करनी है हमें. हम पूरा क्वेश्चन जो टेबल दी हुई है पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब मेरे फार्मूले में डेट ही दो हैं तो मैं पहले उनसे चेक कर लेता हूं ना. अगर उनसे ही आंसर आ गया तो बढ़िया है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 30 अक्टूबर और ऊपर भी 30 अक्टूबर तो सेम है. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? 30 अक्टूबर. चेक करो टाइम ऑफ सप्लाई 30 अक्टूबर. ठीक है, बाकी के कॉलम देख लेंगे. दूसरा, डेट ऑफ इनवॉइस 2 नवंबर. तो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर, बताओ. 30 अक्टूबर, दूसरा इनवॉइस 2 नवंबर को है ना. तो 30 अक्टूबर तो ड्यू डेट और ये एक्चुअल इनवॉइस 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर आ गया. अब तीसरा बताओ, ये 28 अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, बताओ 28 अक्टूबर. यहां पर 26, वो मिसप्रिंट होगा. पेमेंट जो है एडवांस पर कोई जीएसटी नहीं है. यहां पर इन्होंने लिखा ना, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, पुराना नियम है. अच्छा, फिर इन्होंने पुराने नियम के हिसाब से क्यों क्वेश्चन सॉल्व करा? वो इनसे पूछना, मैं क्या करूं? आप इससे पहले रूल चेक कर सकते हैं. रूल क्या है देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच द, ये देखो, ये जो रूल है, इन्होंने रूल भी 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अलग दे रखा है और 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए अलग दे रखा है. इसे बदले हुए 3 साल हो चुके. 2018 में एग्जेम्पशन आ चुकी है. आपको नियम क्या याद करना है? चाहे टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे हो, चाहे टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस. ठीक है जी. तो सर, अब ऐसे तो इंस्टीट्यूट की किताब में पुराना लिखा होगा तो हम तो फंस जाएंगे. तो ये मास्टर इसीलिए तो है, और किस लिए है? दूसरी बात, आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सप्लीमेंट्री नहीं आती अलग से जिसमें अमेंडमेंट लिखे होते हैं. तो किताब तो ओरिजिनल रहती है पुरानी, और अमेंडमेंट उसमें आते रहते हैं. ठीक है, पक्का? अगर हम क्लास के अंदर चेंज नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? ये देखो, इसमें कहीं ना कहीं नया नियम जरूर लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा तो किताब में चेंजेस. हाँ, ये देखो, नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई गुड्स फॉर ऑल एसएससी.
Therefore, all persons below or above 1.5 crore limit shall not be required to pay tax on advance received against future supply. ठीक, ये फैसिलिटी पहले केवल 1.5 करोड़ से नीचे वालों को थी, लेकिन 13 अक्टूबर 2017 से सबके लिए यही है. ठीक, अच्छा, वो उन्होंने ये समझाया है कि पहले वो था और अब ये है. देखो सेम क्वेश्चन दोबारा आया, अब पढ़ो भाई. सी ऑफ चेन्नई सप्लाइड गुड्स टू एम ऑफ मदुरई. अब पिक्चर क्लियर हो गई. इन्होंने पहले पुराना नियम समझाने के लिए वो क्वेश्चन दिया है. बताओ, सी हैज टू सेंड द गुड्स फॉर डिलीवरी फ्रॉम चेन्नई टू मदुरई. सामान कब गया? 30 मई 2018 को. तो अब बताओ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 30 मई 2018. ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 30 मई 2018. 30 मई 2018 और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. अब कॉलम देखो, रिमूवल ऑफ गुड्स वो तो पता ही है 30 मई. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो दे रखा है अलग अलग. तो 30 मई और 30 मई, आंसर क्या आएगा? 30 मई, वो रहा 30 मई. दूसरा 2 जून और 30 मई, 30 मई. फिर देखो 28 मई और 30 जून, 28 मई. कहां गया? ये रहा 28 मई. यहां सुधर गए लोग. ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. तो दिस इज द करेक्ट रूल, दिस इज द न्यूएस्ट एंड द लेटेस्ट रूल. हाँ, वो देख लेते हैं. इस लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस 30 मई. तो सेम ये देखो, 30 मई 30 मई 30 मई, अननेसेसरी दे रखी है. दूसरा, डेट ऑन विच पेमेंट हमने बुक्स में जर्नल एंट्री कब करी. हमें क्या मतलब बुक्स में जर्नल एंट्री कब करी? इग्नोर करना है कॉलम. पहले चाहिए था, पहले चाहिए था. ये वाली जो डेट्स हैं, हाँ, ये तो इन्होंने तो एग्जांपल बनाकर ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन होगा तो ये तो मैं इग्नोर करना है. और डेट ऑन विच बैंक में कब क्रेडिट हुई, ये दोनों आप तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि टाइम ऑफ सप्लाई वाला कॉलम गायब है बस. ये सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए. आपको खाली टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है ना, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई. खाली ये इन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन की हेडिंग अलग और आंसर की हेडिंग अलग नहीं दे रखी, इसलिए कंफ्यूजन है. बस ये वाला जो कॉलम है ये गायब होगा, बस ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है. तो ये पेमेंट वाले कॉलम कब काम आएंगे? जब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला रूल हो तब. लेकिन इनवॉइस और पेमेंट वो तो सर्विस में है, गुड्स में तो है ही नहीं. समझ आई बात? ये पक्का क्लियर? चल हाँ, अब देखो भाई, एक्स एंड कंपनी बीइंग अ ट्रेडर, मतलब गुड्स खरीद के बेचता है, ये ट्रेडर का मतलब ही वो है. तो ये मत पूछना कि इसमें लिखा तो है नहीं, गुड्स की बात चल रही है. फॉरेन रिसीव्स एन एडवांस ऑफ 2500. अरे वाह, 2500 का एडवांस आया. 1000 से ऊपर है ना, हम तो कह रहे 1000 से नीचे हो या 1000 से ऊपर हो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस. ठीक है जी, 29th नवंबर को आया, 10,000 रुपए का हमने सामान बेचा था. टू बी सप्लाइड इन जनवरी 2020, माल जाएगा जनवरी 20 में, एडवांस अभी आ गया. ठीक, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस. एडवांस कुछ भी हो मतलब ही नहीं ना, पेमेंट को इग्नोर करना है गुड्स के क्वेश्चंस में. ठीक, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस जनवरी 2020. नहीं तो यहां पर वो दिया नहीं ना कि एक्चुअल इनवॉइस कब बना और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कब की है. हमें क्योंकि ये पता है कि जनवरी 20 में माल जाएगा, तो हमने ये मान लिया कि उसी दिन को, दो डेट में से एक डेट है नहीं, तो जो है वो अर्ली हो गई. अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्यू डेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. जब जनवरी का टाइम ऑफ सप्लाई है तो फरवरी की 20 तारीख हो गई, फरवरी की 20, ये क्वार्टरली के हिसाब से इन्होंने पेमेंट करी है. एक स्कीम होती है कंपोजिशन स्कीम, हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था. एक जनरल स्कीम होती है और एक कंपोजिशन.
जब आप कंपोजिशन स्कीम पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पहचान सकते हैं हम कि कंपोजिशन स्कीम है, ठीक। और इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ये कंपोजिशन स्कीम है। नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट का मन है। अब मान लो उन्होंने 20 रखी, 25 रखते हैं तो 25 का लॉजिक पूछते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में तो लिखा है जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम है, मतलब क्वार्टरली वाली स्कीम है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन सुनो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी, वो तो उस पर तो परसेंटेज लगा दो, 9% जितना भी क्वेश्चन में अगर रेट गिवन है तो ठीक है, क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है ना, तो कंपोजिशन स्कीम में जो भी रेट लगता होगा आधा आधा परसेंट वो लगा दिया, वरना रेट दिया होता तो वो लगा देते। एक स्कीम है कंपोजिशन स्कीम, तुम हाँ नहीं कर रहे, पहले दिन नहीं पढ़ी थी, एक कंपोजिशन स्कीम होती है और एक नॉर्मल स्कीम होती है। उस कंपोजिशन स्कीम का अलग से टॉपिक भी है, तो जब आप कंपोजिशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1% का रेट होता है, आधा सी और आधा एस, वो नया चिपका दिया। वो हल्का हल्का ये है कि आप कस्टमर से जीएसटी मत लो। नॉर्मली आप क्या करते हो, 100 रुपए का सामान बेचते हो और कस्टमर से 18 रुपए जीएसटी लेते हो, तो 118 आपके पास आता है, 18 रुपए आप कस्टमर को जब वो सरकार को जमा कर देते हो, मतलब 100 रुपए तुम्हारा रेवेन्यू और 18 रुपए गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ठीक, पक्का। अब तुम ग्राहक के एंगल से सोचो, 100 की चीज के कितने देने पड़े, एक दूसरी दुकान है भाई, वहां पर 100 रुपए का सामान 100 में ही मिल रहा है, 18 रुपए अलग से नहीं देने, क्यों, क्योंकि वो छोटा व्यापारी अनरजिस्टर्ड आदमी है, तो ग्राहक किससे खरीदना पसंद करेगा, 100 वाला 118 में या 100 वाला 100 में, 100 वाला 100 में। अब ये जो 118 में बेच रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड आदमी जो है, उसने दिमाग लगाया कि यार ये तो मेरे को लॉस हो रहा है, 100 रुपए का सामान 118 में बेच रहा हूं, हमने देखा वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं, उसका टर्नओवर तो बहुत कम है, हमारा तो करोड़ों में है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ा हमें, तो हमने क्या करा, सरकार की एक स्कीम थी उसका फायदा उठाया, और वो स्कीम क्या थी, कंपोजिशन। उसमें क्या करना पड़ता है, ग्राहक जब 100 रुपए का नोट दे, वो 118 जब दे तो कहना नहीं नहीं बेटा 18 नहीं देने, हमारे 100 का ही सामान है, अरे वाह, ग्राहक से नहीं लेने पैसे, हम अपनी जेब से 1% एक्स्ट्रा दे देंगे सरकार को, कस्टमर से नहीं कलेक्ट करते जीएसटी, हमारा जितना भी टर्नओवर बनेगा उसका 1% निकालेंगे और सरकार को जाके जमा कर देंगे। इससे सरकार को नुकसान हुआ बस इस बात का कि जो टैक्स है वो 18, 12, 15% की जगह 1% मिला, ठीक, समझ गया। लेकिन वो जो व्यापारी है उसको और वो जो ग्राहक है उसको, दोनों को फायदा हो गया। अगर आप चाहें तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बस उसकी सरकार ने एक लिमिट लगा रखी है कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होगा तभी आपको यह स्कीम मिलेगी, 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा तो यह स्कीम नहीं मिलेगी। अब इसका टर्नओवर केवल 0.80 करोड़ है, इसलिए उसने ये कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन वाले ने आपसे जानने की कोशिश कर ली कि आपको कंपोजिशन का भी रेट पता होना चाहिए, आपको कंपोजिशन का मतलब भी पता होना चाहिए, तो हमने तो अपने काम की चीज सीख ली कि डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे निकल आई, ठीक है भाई। एक एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं, ये देखो आप, हां जी, एक्स लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड होलसेलर एंड इशूड इनवॉइस फॉर द सेल ऑन 1st अगस्त। अरे वाह, डेट ऑफ इनवॉइस तो मिल गई, अब इसका मतलब हमें ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ढूंढनी है, 1 अगस्त को बस ड्यू डेट से कंपेयर करते रहिएगा और दोनों में से जो अर्ली आए वो आंसर हो जाएगा आपका। यहां कोई कंपोजिशन का चक्कर नहीं है, 1 अगस्त को ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से कंपेयर करना है, और ड्यू डेट कैसे निकलती है, माल का डिस्पैच वाली डेट, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड रिमूव्स द गुड्स फॉर डिलीवरी टू वाई लिमिटेड ऑन 16 अगस्त, तो 16 अगस्त को डिस्पैच हुआ तो 16 अगस्त ड्यू डेट और 1 अगस्त इनवॉइस की डेट, अर्लियर क्या हुई 1 अगस्त, तो पहले का आंसर देखो 1 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा प्रश्न, वाई लिमिटेड कलेक्ट गुड्स फ्रॉम प्रमाइसेस, मतलब एक्स ने भेजे नहीं, वाई ने कलेक्ट कर लिए,
मतलब डिस्पैच नहीं हुआ, अवेलेबल तो हो गए, किस दिन? 10 अगस्त। तो 10 अगस्त को कंपेयर कर लो, उसमें क्या है? 10 अगस्त और 1 अगस्त, तो आंसर इज 1 अगस्त। 1 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तीसरा पढ़ो, वाई लिमिटेड मेड फुल पेमेंट ऑन 26 जुलाई। अरे पेमेंट से मतलब क्या? अब दो डेट चाहिए थी, एक ड्यू डेट और एक डेट, तो ड्यू डेट तो गिवन नहीं है, तो दो में से एक गिवन नहीं है, तो जो गिवन है वो ही ले लो। 1 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि दूसरा कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन का चौथा हिस्सा देखते हैं, अननेसेसरी घुमाने का प्रयास करते हैं ये। ए वाई लिमिटेड ने क्रेडिट करी बैंक में पेमेंट 28 जुलाई को 3/4 गुड्स की, और एक्स लिमिटेड ने अपनी बुक्स में रिसीट दिखाई 3 अगस्त को, गुड्स वर डिस्पैच्ड ऑन 5 अगस्त। हमें तो यही चाहिए बट डिस्पैच की डेट। पेमेंट से मतलब क्या? 3/4 की पेमेंट कब हुई और 1/4 की पेमेंट कब हुई? देखा आपने, कंफ्यूज करने के लिए लिखता है ये सारी बातें। तो 5 अगस्त और 1 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, 1 अगस्त। तो आंसर आ गया जी 1 अगस्त, बात खत्म। समझ आई आपको? पक्का क्लियर? अच्छा सर, वो जो सर्विसेज में 30 डेज जुड़ते हैं, हाँ, कंप्लीट के बाद पहला दिन, कंप्लीट वाला दिन हटा के, मतलब ऑल डेज होते हैं? हाँ हाँ, ऑल डेज, संडे भी, ईद, दशहरा, दिवाली सब जोड़ने। ये भी देख लो, एक मिनट लगेगा, फटाफट। इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1500 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 1100। अच्छा देखा, छोटा एडवांस, 1100 की जगह 1500 आ गए, 400 एडवांस हो गया। ओके, ऑन 25 जनवरी एंड द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ नेक्स्ट सप्लाई, अगली सप्लाई जिसमें हम वो 400 एडजस्ट करेंगे, वो है 14 फरवरी 2020। तो ये जो 400 रुपए एडवांस है, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए? 14 फरवरी। नहीं, आपकी मर्जी, पहले दे दो, 14 फरवरी टाइम ऑफ सप्लाई बननी चाहिए, है ना? आगे, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई 14 फरवरी, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो भी अगले महीने की 20 तारीख। अच्छा, सिंस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव इनवॉइस वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1000, सप्लायर हैज एन ऑप्शन टू ट्रीट द टाइम ऑफ सप्लाई आइदर अभी 25 जनवरी, नहीं 25, हाँ वो मिस प्रिंट है, चलो जुलाई 17 आ गया यहां पे, वहां भी इसे क्वेश्चन में जो भी है, आइदर अभी, अभी मतलब 25 जनवरी, आइदर अभी जब आया 25 जनवरी, और 14 फरवरी, ये 14 फरवरी। अब अगर 14 फरवरी मानोगे तो अगले महीने की 20 तारीख, ठीक है, ड्यू डेट इज 20/9, मतलब यहां आएगी 20/3, 20 मार्च, और अभी अपनी मर्जी से अभी ले लोगे तो 20 फरवरी आएगा, फिर अगले महीने की 20 तारीख। क्लियर हो गई जी बात? आगे के अगली मुलाकात में करेंगे। थैंक यू सो मच। टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो जाएगा अगली क्लास में।